भदोही से निहाल अली, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। प्रेम प्रसंग में हुई नाबालिग की हत्या, हत्या में शामिल 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर भदोही जिले से है, जहां पर थाना औराई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खेतलपुर सरकारी ट्यूबवेल के पास स्थित खेत में शिव प्रकाश प्रजापति पुत्र राजेंद्र प्रजापति निवासी बगीचा मोहल्ला वार्ड नंबर 7 खमरिया थाना औराई जनपद भदोही उम्र करीब 16 वर्ष का शव बरामद हुआ था। घटना के संबंध में मृतक के पिता से प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा संख्या 217/24 धारा 103 1 BNS का अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही प्रचलित की गई। डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक भदोही क्षेत्राधिकारी औराई व फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन कर त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए। उप निर्देश के क्रम में आज दिनांक 15 सितंबर 2024 को प्रभारी निरीक्षक औराई के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा नाबालिग की हत्या की सनसनीखेज घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले सभी 6 बाल अपचारी को ग्राम नतवां क्रॉसिंग के पास से हिरासत में लेकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई। पूछताछ में खुले राज घटना के संबंध में पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा बताया गया कि मृतक के साथ हम लोगों का प्रेम प्रसंग की बात को लेकर आपस में कहा सुनी हुई थी, जिसका उलाहना मृतक की मां हम लोगों के घर देने गई थी। इसी बात को लेकर हम लोगों द्वारा हत्या की घटना कारित किया गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक सच्चिदानंद पांडे, उप निरीक्षक भारत भूषण सिंह, मुख्य आरक्षी संतोष कुमार यादव, मुख्य आरक्षी नियामत खां, आरक्षी विनीत सिंह, आरक्षी शुभम पांडे, आरक्षी कैलाश प्रजापति व आरक्षी यशपाल सिंह थाना और आई जनपद भदोही शामिल रहे। दिनांक 13 तारीख को शुक्रवार के दिन सुबह सुबह सूचना मिली थी कि एक बालक की डेड बॉडी खेत पे पड़ी है। सूचना पर तत्काल SHO, CO, एडिशनल SP एवं मेरे द्वारा मौके का मुआयना किया गया। FSL टीम को बुलाया गया और बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हर बिंदु पे उसमें जांच की गई और सर्विलांस की मदद से और पूछताछ की मदद से थाना और आई की पुलिस ने और हमारे CO ने लग करके इस घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण किया है। इस घटना में बेसिकली प्रेम प्रसंग की बात आई है। प्रेम प्रसंग के कारण जो मृतिका की मां ने इन अभियुक्तगणों को, जो कि सारे बाल अपचारी हैं इसलिए यहां मौजूद नहीं है और उनका नाम लिया जाना उचित नहीं है, उन्होंने ही इस घटना को करने का प्लान बनाया था। और मृतक को खेत में सरकारी ट्यूबवेल के पास जो खेत था वहाँ बुलाया था और शराब इन सभी ने पी थी और उसको ज़्यादा नशे में हो गया तो एक रस्सी से उसका गला स्ट्रैंगुलेट किया है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी इसकी पुष्टि हुई है। प्रेम प्रसंग में ये लड़की जो है एक से बात करती थी, दूसरे से भी बात करती थी, इसलिए इसमें जो एक अभियुक्त है उसने ये प्लान बनाया क्योंकि वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहा। अच्छा, जो आरोपी हैं इनकी, ये सभी उसी गांव के रहने वाले हैं, आसपास के गांव के रहने वाले हैं, थाना क्षेत्र औराई के ही हैं और इनकी उम्र, एक की उम्र 13 साल भी है, एक की उम्र, किसी की उम्र 15 साल 16 साल है, सभी बाल अपचारी हैं।